नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। SBI बैंक में 12वीं पास के लिए बहाली, जल्द करें आवेदन, मिलेगी अच्छी सैलरी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की सारी परीक्षाएं स्थगित, नीट का भी एग्जाम नहीं होगा। स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी पर सरकार का नया आदेश, अब एक तिहाई टीचर्स ही एक दिन में जाएंगे। राजगीर नेचर सफारी को किया गया बंद, कोरोना के कारण लिया गया फैसला। नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन का बिहार सरकार करेगी निर्माण। बिना RT-PCR टेस्ट के पटना में एंट्री बंद, एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले को दिखाना होगा टेस्ट रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट में अभी फिजिकल सुनवाई नहीं, कोरोना के कारण 30 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट चलेगा। कोरोना ने बढ़ाई ऑक्सीजन की डिमांड, पटना में पहले से 7 गुना ज्यादा है जरूरत। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी वाहन दस्तावेज अब 30 जून तक मान्य। बिहार में बेकाबू कोरोना, क्या लगेगा लॉकडाउन? CM नीतीश ने इशारों में दिया बड़ा बयान। यदि आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से क्लर्क कैडर के तहत 67 फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए बहाली निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप SBI में क्लर्क की नौकरी पाना चाहते हैं तो अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। आवेदन अप्रैल महीने से ही शुरू होंगे और जल्द ही इसकी लिखित परीक्षा होने की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क कैडर के तहत 67 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा अगले महीने 23 मई को अस्थायी रूप से आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मई निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी से न्यूनतम डिप्लोमा या फार्मेसी में डिग्री या फिर समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। साथ ही फार्मासिस्ट या कंपाउंडर के रूप में 3 साल का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुभव होना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के बेहद भयावह रूप लेने के कारण बोर्ड और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द और स्थगित की जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। उधर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी कि नीट को भी स्थगित कर दिया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि 16 अप्रैल से होने वाली सभी सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने यह बड़ा निर्णय लिया है। स्थगित की गई परीक्षाओं का शेड्यूल बाद में जारी कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और उससे संक्रमित यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ने एहतियात तत्काल प्रभाव से पहले से निर्धारित और आगामी परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दिया है। बिहार में बेकाबू कोरोना वायरस को लेकर सरकारी और निजी स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद रखा गया है। सभी शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक नहीं खुलेंगे, लेकिन अब सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी को लेकर नया फरमान जारी किया है। कोरोना को देखते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि अब किसी भी स्कूल में केवल एक तिहाई शिक्षक ही एक दिन में मौजूद रहेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है कि कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों को मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है। 18 अप्रैल तक के सभी शिक्षण संस्थान बंद और आगे समीक्षा के बाद ही इन्हें खोलने या बंद रखने का फैसला किया जाएगा। लेकिन सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को सीमित किया गया है। नालंदा के राजगीर स्थित नेचर सफारी को बंद कर दिया गया है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण नेचर सफारी को बंद रखने का फैसला किया गया है। राजगीर नेचर सफारी का उद्घाटन इसी साल हुआ है और फिलहाल यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेचर सफारी को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि नेचर सफारी नालंदा और गया के बीच जेठियन जाने वाले मार्ग में है। इसकी राजगीर शहर से दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। सोन भंडार और जरासंध आखड़ा से लगभग 8 किलोमीटर है। अधिकांश भूभाग सोनागिरी और व्यवहारगिरी के बीच में है। नालंदा में 500 हेक्टेयर में फैले नेचर सफारी के निर्माण में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। बीते साल 2020 के 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेचर सफारी और ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का मुआयना किया था। उस वक्त सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए शेष कार्य पूरे
करने का निर्देश दिया गया था। आखिरकार होली से पहले 26 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने नेचर सफारी का लोकार्पण किया, लेकिन अब कोरोना के हालात को देखते हुए इसे बंद करा दिया गया है। बिहार से नेपाल को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो पाए, इसके लिए दो नए ट्रांसमिशन लाइन बनाए जाएंगे। नेपाल ने इसके लिए बिहार सरकार से अनुरोध किया है। बिहार सरकार की पहल पर सूबे की संचरण कंपनी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 132 केवी क्षमता के दो नए विद्युत संचरण लाइनों के निर्माण की तैयारी करने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके निर्माण पर 27.74 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहली ट्रांसमिशन लाइन कटैया कुसहा के बीच होगी, इस पर 3.19 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि दूसरी लाइन रक्सौल और परवानीपुर के बीच होगी, इस पर 24.55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के मुताबिक बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा पिछले वर्षों में बिजली संचरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। नेपाल द्वारा बिहार की कंपनी को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अनुरोध किया जाना इसकी गुणवत्ता व विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि इस समय बिहार से नेपाल को 441 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना के डीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी के फैलाव पर नियंत्रण को लेकर पटना के डीएम ने पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को यह आदेश दिया है कि महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले लोगों को अपने साथ आरटीपीसीआर टेस्ट का निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। पटना जिलाधिकारी ने पटना हवाई अड्डा के निदेशक को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आ रहे यात्रियों को अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर का निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा, इसके बाद ही उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाएगी। डीएम ने अपने पत्र में लिखा है कि पटना जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल से यात्रा कर पटना एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व का आरटीपीसीआर जांच प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा। तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पटना हाईकोर्ट में फिलहाल फिजिकल सुनवाई नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट में अब 30 अप्रैल तक वर्चुअल सुनवाई चलेगी। हाईकोर्ट की तरफ से जारी नए नोटिस में 30 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट चलाने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नए नोटिस में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। बीते साल कोरोना संक्रमण फैलने के बाद कोर्ट वर्चुअल मोड में चला गया था। इस साल 4 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन एक बार फिर से दूसरी लहर के कारण वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कर दी गई है। वर्चुअल कोर्ट के दौरान पटना हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उधर हाईकोर्ट में वर्चुअल कोर्ट चलाए जाने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट कोई अस्थायी समाधान नहीं है, यह टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकता है। उनका कहना है कि अधिक सुरक्षित उपाय के साथ फिजिकल कोर्ट में ही मुकदमों की सुनवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि वर्चुअल कोर्ट का विरोध वकीलों ने किया था। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल पिछले दिनों संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद फिजिकल कोर्ट बंद कर दिया गया था। राजधानी पटना में तेज कोरोना संक्रमण ने ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक पटना में पहले से ऑक्सीजन की डिमांड 7 गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि पटना में ना केवल कोरोना के मरीज बल्कि दूसरे रोगियों को भी ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ने लगी है। पटना के ज्यादातर बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है और इस वजह से वहां दूसरे रोगी जाने से परहेज कर रहे हैं। राजधानी के छोटे नर्सिंग होम अन्य रोगियों के लिए इस वक्त वरदान साबित हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से इन प्राइवेट छोटे नर्सिंग होम को जूझना पड़ रहा है। पटना के कई प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने मरीजों को डिस्चार्ज या रेफर करना पड़ रहा है। पटना के सगुना मोड़ स्थित एक निजी नर्सिंग होम में कई मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। कोरोना संकट को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर निरीक्षक को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है। इसका लाभ उन वाहन चालकों को मिलेगा जिनके दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुकी है और कोरोना संक्रमण के कारण इसे फिलहाल बढ़ाया नहीं जा सकता है।
देश के कई राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना करीब करीब बेकाबू की स्थिति में है। हर रोज केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में बहुत कुछ कहा है। दरअसल सीएम नीतीश बीते गुरुवार को IGIMS अस्पताल पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। उनके साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी दूसरा डोज लिया। टीका लेने के बाद अस्पताल से बाहर निकलते हुए सीएम नीतीश ने पत्रकारों से बात की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना की जांच और टीकाकरण पर सरकार का पूरा ध्यान है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसे और बढ़ाना है। वहीं टीकाकरण का काम भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या और स्थिति पैनिक होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पूरी नजर है। 17 अप्रैल को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें भी जो सुझाव आएंगे उस पर सरकार निर्णय लेगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।